हेलो फ्रेंड्स, ये सैमसंग का है G530H। आज हम इसको डिसअसेंबल करना सीखेंगे कि इसको कैसे ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी ऑफ़ किया हुआ है इसको, और इसका बैक कवर को रिमूव करेंगे और इसकी बैटरी को निकालेंगे। और ये फ्रेंड्स, इसके जो है सारे स्क्रूज़ को हम निकाल लेंगे। ये सारे स्क्रू निकालने के बाद में जो है इसको हॉट गन से हल्की हल्की से हीट देंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ के जो ग्लास है वो मेटल से चिपका होता है, इसका बॉडी से चिपका हुआ होता है ये। तो फ्रेंड्स, इसके जो हीट गन से अच्छी तरह से बॉडी को जो है थोड़ा थोड़ा सा गर्म करना है, जिससे इसके जो बॉडी के और ग्लास के बीच में जो गमिंग लगा रखी होती है वो थोड़ी सी मुलायम पड़ जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ग्लास के मतलब टच के टूटने का खतरा रहेगा। ये हमने इसके सारे स्क्रू रिमूव कर दिए हैं। और अब जो है इस पर हम हॉट एयर गन से ये इस किनारे ऊपर थोड़ा सा हीट करेंगे। ज़्यादा भी हीट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर डिस्प्ले भी ख़राब हो सकती है। तो वो तो खैर आप देख लीजिएगा कितना हीट देना है। और इसमें फिर सिंगल ट्वीज़र को लगा करके इस तरह से और स्लाइड करना है, इस तरह से उठाना नहीं है इसको। स्लाइड करते करते धीरे धीरे जो है इसको नीचे ले जाएंगे, इस तरह से इधर भी करेंगे, स्लाइड करते करते इसको नीचे ले जाएंगे। इसके ये पहुंच गया नीचे, और इधर से भी कर लेंगे थोड़ा सा। तो अभी और थोड़ा करना पड़ेगा, जब ये अपनी जगह छोड़ दे तब रुकना है। अभी इसे छोड़ा नहीं है, इधर से छोड़ दिया, इधर से नहीं छोड़ा। बस ये ध्यान रखेंगे कि इसको पुशअप नहीं करना है। इधर से निकल चुका है थोड़ा सा, ये कोना अभी थोड़ा सा पेस्ट है इसमें बॉडी में, तो इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे आगे तक। बस ये ध्यान रखेंगे चिमटी को उठाना नहीं है, मतलब बस स्लाइड करना है, ओनली स्लाइड करते करते ही निकालना है। अगर आपने इसको चिमटी को अगर ऐसे करके इस तरह से कर दिया तो ग्लास टूट जाएगा। ये फ्रेंड्स, इधर का भी छोड़ दिया इसने, और ये निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसने लॉक अपने छोड़ दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसको खिसकाते हुए, और पीछे से जो है यहाँ पर एक लॉक होता है, ये यहाँ से इस तरह से उठा देंगे इसको, और एक यहाँ पर लॉक है, ये इसको लॉक कर अनलॉक कर देंगे। अब ये ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है, इसका बैक कवर रिमूव कर चुके हैं हम। ठीक है, अब जो है इसमें ये डिस्प्ले का पत्ता, ये कैमरे का पत्ता, और ये इसका स्पीकर रिंगर का पत्ता, ये स्पीकर है, और इसको मदरबोर्ड को निकाल देंगे। ये हमने मदरबोर्ड निकाल दिया, और ये फ्रेंड्स तैयार है। तो ये मेथड है इसको निकालने का। तो
फ्रेंड्स आइए फिर वापस इसको लगा देते हैं। ये मदरबोर्ड पहले फिट कर देंगे। ये इसका कैमरा लगा देंगे। हाँ तो अब फ्रेंड्स इसको बैक कवर जो है इसका फिर रख करके इसको और हल्का सा प्रेस करते हुए और ये हो गया। ठीक है और अब जो है इसके सारे जो स्क्रूज हैं वो स्क्रू लगा देंगे। तो ये फ्रेंड्स अब ये हमारा सेट डिसअसेंबल करके असेंबल हो चुका है। ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।